दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम यूजर है तो आज वाली इस वीडियो के अंदर एक कॉमन से एरर की बात करने वाले हैं। जैसे ही आप अपने इंस्टाग्राम को आजकल ओपन कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ पर कुड नॉट रिफ्रेश फीड वाला ये एरर देखने को मिलता है तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर 2 से 3 स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो 100% जो आपकी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन होने वाला है। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं किस तरह आप इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वही हर बार की तरह, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसके पहले स्टेप की ओर। दोस्तों आपको सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन बार को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यह प्रॉब्लम दोस्तों आपके इंटरनेट की वजह से भी आ सकती है। अगर आप लंबे समय तक अपने इंटरनेट को ऑन ऑफ नहीं करते हैं तब गाइज आपका इंटरनेट स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम आपको फेस होती है। तब आपको यहां पर एरोप्लेन मोड को इनेबल करना है और उसके बाद आपको अगेन इस पर टैप करना है, जिसके बाद यह डिसेबल हो जाएगा और आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो यहां से बूस्ट हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहां से हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपने फोन की सेटिंग को ओपन करना है। फिर आपको दोस्तों सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है, जो आपकी सिम है जिसके अंदर आप डाटा यूज करते हैं आपको उस पर क्लिक करना है। एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक करना है, यहां से कर देना रीसेट। यहां से भी दोस्तों आपके इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती है। उसके बाद आपको सेटिंग के अंदर रहकर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, ऐप्स पर क्लिक करना है, मैनेज ऐप्स पर टैप कर देना है। तो आपको सर्च बार दिखेगा, यहां पर आना है, क्लिक करना है, यहां पर आपको सर्च कर देना है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम वाली एप्लीकेशन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ क्लियर डाटा वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। पहले करना है क्लियर कैच, डाटा यूसेज याद करके क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको चेक करना है अगर मोबाइल डाटा, वाईफाई, बैकग्राउंड डाटा डिसेबल हो रखे हैं, तीनों को इनेबल कर लेना। उसके बाद आपको बैक आना है, फिर दोस्तों आपको अगेन चेक करना है अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है, नहीं तो आपको इसी पेज पर आना होगा। उसके बाद आपको इस पर क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करना है और यहाँ से करना है डिलीट ऑल डाटा। उसके बाद आपको बैक आना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है, सर्च बार पर इंस्टाग्राम सर्च कर देना है और यहाँ पर आपको ये चेक करना है अगर आपके इंस्टाग्राम पर कोई अपडेट आई हुई है तो ठीक है, आप अपने इंस्टाग्राम को यहाँ से अपडेट कर लेना। फिर उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है, बैकग्राउंड से एक बार इंस्टाग्राम को क्लोज कर देना और दोबारा से इंस्टाग्राम को ओपन करके चेक करना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। अगर फिर भी प्रॉब्लम सेम एज इट इज बनी हुई है, अब दोस्तों आप अपने गूगल क्रोम को ओपन करिएगा, आपको यहाँ सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ इस बार आपको सर्च करना है डाउन डिटेक्टर। तो गाइज ये वो साइट है जो सोशल मीडिया से रिलेट रखती है, आपको पता चल जाता है इस टाइम कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डाउन हो रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इंस्टाग्राम चेक करिएगा, अगर यहाँ पर इस तरह से ब्लू लाइन है तो इंस्टाग्राम की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको यहाँ पर रेड लाइन देखने को मिलती है तो आपको थोड़ा पेशेंट रखना होगा, इंस्टाग्राम की तरफ से ये एरर आया हुआ है, ये प्रॉब्लम आई हुई है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली ही सॉल्व कर दी जाएगी। तो गाइज आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर वीडियो पसंद आई या वीडियो की हेल्प से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है तो उम्मीद करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।